चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बदायूं हत्याकांड की। बदायूं डबल मर्डर केस का राज अब खुलने वाला है, क्योंकि इस केस का जो दूसरा आरोपी जावेद रहा उसे गिरफ्तार कर लिया है, वो गिरफ्त में आ चुका है पुलिस की। आरोपी जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। अब जावेद हर राज खोलेगा पुलिस के सामने। बदायूं डबल मर्डर केस पर जो हर राज है वो बेपर्दा होगा। ये सन्न कर देने वाला हत्याकांड, जो दो मासूम बच्चों की निर्मम हत्या की गई, जिसके जरिए हत्या की गई, उसका जो पहला आरोपी रहा उसका इनकाउंटर हुआ और उसके बाद अब जो दूसरा आरोपी है वो गिरफ्त में आ चुका है। आपको बता दें कि बदायूं कांड का जो दूसरा आरोपी है जावेद, उसे गिरफ्तार किया गया। बरेली से पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। जावेद का मेडिकल अब पुलिस कराएगी, जावेद को मेडिकल के लिए पुलिस ले गई है। इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है, मेडिकल कराने के लिए पुलिस ले गई है, अब पेशी होगी और फिर सारा जो पुलिस की कोशिश होगी जावेद से पूछताछ में हर वो राज सामने आए कि इस हत्याकांड को आखिर क्यों अंजाम दिया गया, वो क्या मकसद था, वो क्या मोटिव था जो दो मासूम बच्चों की इतनी बेरहमी के साथ हत्या की गई। तो एक बार फिर से आपको बता दें, इस हत्याकांड का सच जो बताएगा वो आरोपी जावेद ही बता सकता है, कि उसमें दो आरोपी बताए गए, एक का एनकाउंटर हो चुका है तो दूसरा आरोपी गिरफ्त में आ चुका है। अब इस मामले में आरोपी जावेद से पूछताछ के बाद वो राज सामने आएगा। और अब हम दो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये आरोपी साजिद, जिसका एनकाउंटर हो चुका है, एनकाउंटर में मारा गया आरोपी साजिद, ढेर कर दिया गया, और दूसरी तरफ आरोपी जावेद। इन दो, ये दो आरोपी बताए जा रहे थे जो कि दो मासूमों की हत्या करने के लिए इन्हीं पर ही इल्जाम है। अब जो आरोपी जावेद है वो गिरफ्त में आ चुका है और उससे पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद वो राज का पर्दाफाश हो पाएगा जो इस पूरे मामले में छिपाया जा रहा है। और जब पुलिस जावेद को मेडिकल चेकअप करके लिए लेकर जा रही थी, तब मौके का जायजा लिया संवाददाता पुनीत शर्मा ने। देखिए रिपोर्ट, देख सकते हैं कि आप आरोपी जावेद है जिसको लेकर के इस वक्त पुलिस जा रही है मेडिकल के लिए। पुलिस इस वक्त इसको लेकर के जा रही है और इसने बरेली में जा करके सरेंडर किया था। सरेंडर करने के बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। फिलहाल तमाम सवाल इससे पूछे गए हैं और अब पुलिस इसे जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसने हत्या क्यों की है। और जावेद की गिरफ्तारी के वक्त का वीडियो आया सामने। वीडियो में पुलिस के हवाले करने की मांग कर रहा है जावेद, बार बार कह रहा है मुझे पुलिस के हवाले कर दो, जहां कांड हुआ वहां हमारे अच्छे संबंध, ये जावेद की तरफ से कहा गया। मैं तुरंत वहां से आया बदायूं के लिए, वहां पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं गांव में गई हूँ। मैं एक बात बताऊँ, सुनो मेरी फोन अभी ऑफलाइन कर रखा है। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने भाई, मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो मैं, देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका वो मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था, मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना, मेरा नाम आईडी मेरी याद आ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है, 12 दिन ले चलो मुझे भाई पुलिस के हवाले। इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, वो फोटो स्टेट गंदी आई थी, दूसरा वाला। ऐसा क्यों किया यार? ये तो नहीं था मेरे करा, मतलब कोई तो वजह हुई। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुक थे हमारे, लेकिन आज तक ये ही नहीं पता चला। मैं खुद ही कितने बच्चे मारे, दो। लेकिन एक बात बताओ, माँ की कसम,
और आइए अब आपको दिखाते हैं जावेद से पूछताछ में अभी तक क्या क्या खुलासा हो चुका है इस पूरे हत्याकांड से जुड़ा हुआ। जावेद गिरफ्तार हो गया और पुलिस से क्या खुलासा आपको बताते हैं। उस दिन मैं घर के नीचे नहीं था, दुकान बंद करके अपने घर चला गया था, ये आरोपी जावेद की तरफ से कहा जा रहा है। साजिद ने नहीं बताया संगीता के घर क्यों जा रहा है, साजिद ने जो किया उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये आरोपी जावेद ने कहा। साजिद ऐसा करेगा कभी अंदाजा नहीं था, साजिद मेरा भाई था लेकिन कुछ नहीं बताता था, साजिद छोटी छोटी बात पर लड़ाई करता था, छिपने के लिए दिल्ली की तरफ गया था, जानकार ने समझाया भी कि सरेंडर कर दो, सरेंडर नहीं करोगे तो साजिद की तरह मरोगे, ये कहना है आरोपी जावेद का। तो ये कबूलनामा आपको हम दिखा रहे हैं कि जो जो पुलिस पूछ रही है, जो खुलासे हो रहे हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। पुनीत हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। पुनीत, कुछ देर पहले आपकी रिपोर्ट दिखाई, मेडिकल कराने के लिए लेकर गई है पुलिस, पुलिस अब किस किस एंगल से जांच को आगे बढ़ाएगी, इस मामले में महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो क्या है? देखिए, इस मामले में जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो फिलहाल जावेद का बयान है, क्योंकि जावेद के बयान से साफ होगा कि आखिर साजिद ने यह हत्या क्यों की। परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि जिस वक्त साजिद वहां पर पहुंचा था जावेद उसके साथ था। आज जब हमने दोबारा संगीता से बातचीत की, जो मृतक बच्चों की माँ, उसने फिर यही कहा था कि जावेद गेट पर खड़ा हुआ था, जबकि जावेद ये बयान दे रहा है बार बार कि वो उस वक्त हत्या के वक्त वहां पर मौजूद नहीं था, वो दुकान बंद करके चला गया। तो ऐसे में पुलिस इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का डेटा भी जो है वो जुटाने की कोशिश कर रही है। इकबालिया बयान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे पता लगेगा कि आखिर जावेद वहां पर था या नहीं था। और हत्या की जो असली वजह है, सबसे अहम इस हत्याकांड में जो चीज है वो है हत्या की वजह, कि आखिर दो बच्चों की हत्या वो भी इतनी नृशंसता से क्यों की गई है। क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें साफ हुआ है कि एक बच्चे आयुष के शरीर पर 14 चाकू के वार किए गए थे, जबकि जो दूसरा बच्चा अहान था उसके शरीर पर 2 चाकू के वार किए गए थे। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बच्चों पर इतनी निर्दयता क्यों अपनाई थी साजिद ने, आखिर क्यों बच्चों का कत्ल किया। मोटिव जो है वो जानना पुलिस के लिए जरूरी है। और साजिद की तलाश की जा, साजिद के बाद अब जावेद की तलाश की जा रही थी, जावेद पुलिस के हाथ में। और इसलिए अहम है, जब ये भागकर दिल्ली गया तो किन किन लोगों के संपर्क में आया, ये भी बहुत अहम सवाल है। फिर इसने सोची कि इसे सरेंडर करना है और उसके बाद यहां तक पहुंचा जब पुलिस ने गिरफ्तार किया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो अपने बयान पुलिस को दे रहा है, इसका कहना है कि ये मौके पर मौजूद नहीं था, जैसे इसको पता लगा कि साजिद ने हत्या की है यह यहां से दिल्ली चला गया। सवाल यही है जो पुलिस भी जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है, इससे लगातार पूछताछ करी है कि आखिर किन लोगों के संपर्क में था, मोबाइल स्विच ऑफ करने से पहले इसने किन किन लोगों से बात करी, दिल्ली जाकर दिल्ली भाग के गया तो किन किन लोगों के संपर्क में। मैं आऊंगी आपके पास पुनीत। और मृतक बच्चों की जो माँ संगीता ठाकुर है, उन्होंने TV9 से कहा है हत्या के वक्त जावेद भी मौजूद था, ये मां ने कहा है, जावेद से मेरे सामने पूछताछ की जाए, साजिद के साथ ही आया था जावेद। इस वक्त हमारे साथ दोनों मृतक बच्चों की मां संगीता मौजूद है। संगीता जी, साजिद को तो एनकाउंटर में मार दिया, जावेद अभी गिरफ्तार हुआ है, वो सरेंडर करने आया था, उसका कहना है कि वो हत्या के वक्त यहां पर मौजूद नहीं था। वो था, उससे पूछो, उसने उसको क्या, मुझे मेरे सामने उससे बात करवाओ, मुझे उसके सामने पेश करवाया जाए कि वो हम तब उससे पूछताछ करी जाए, मेरे सामने करवाई जाए। तो जावेद को आपने खुद देखा था? हाँ, वो भी था, वो दुकान बढ़ा के गया, आखिर क्यों इतनी जल्दी गया बढ़ा के, और वो भी बरेली पहुंचा जाके, क्यों हुआ क्या था उस दिन? उस वक्त दोनों साजिद और जावेद एक साथ आए थे, क्या हुआ था पूरा बताइए। यहाँ से आया, जब दुकान में आया तो बोलो कि जैसे उसकी सलून की है, हमारी भाई कॉस्मेटिक की है दुकान, लेने आया क्लेचर लेके, वो बोला कि मुझे 5,000 रुपये भाभी ज़रूरत है, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी लो भैया से, हम आके इनसे पूछा फ़ोन से, उसके सामने नहीं आके अंदर पूछा तो बोले कि तुम देखो दे दो कोई बात नहीं, वो दे देगा सवेरे दे दे, हमने ठीक है, तो मैंने निकाले रुपये उसे दे दिए,
वो खड़ारा खड़ारा मुझे फिर ये नहीं पता चला वो कितनी गन निकल के हमारे बच्चे ले गया ऊपर। अच्छा हाँ, तो जब साजिद यहाँ आया था तो जावेद उसके साथ में ही था? हाँ। अच्छा, गाड़ी तो साथ में आए थे? हाँ, दोनों थे साथ में। घर के अंदर ही आए थे वो लोग? हाँ। या बाहर गेट पे? नहीं, वो दुकान में थे, वहाँ से लेके किनारे गया, अंदर नहीं घर के आए थे। अच्छा। वहाँ से बाहर से ऊपर लेके चले गए। तो जावेद भी साथ में ऊपर गया था? हाँ, नहीं वो था लेकिन वो यहीं था, नीचे इंतजार कर रहा था उसका। जावेद से आपकी कोई बात हुई थी? जावेद ने कुछ कहा हो उस वक्त आपसे? नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, जो कुछ हुई उसी से बात हुई मेरी। अच्छा। हाँ, अच्छा, उसके बाद ऊपर लेकर के चलेगा, फिर आपको कैसे पता लगा कि ये सारा? हमारा जो एक बेटा बचा उसको भी मुंह पकड़ के मारने जा रहा था, तो उसके चाकू वाकू लगा है हाथ में, तो वो उसके कीक नहीं निकली, छोटे वाले की कीक निकली तो ये भगा ऊपर। मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो हम एक आध अपने बच्चे बचा लेते, मुझे क्या पता उसने गेट बंद करके मारे दोनों बच्चे। इतनी तड़प तड़प के उसने बहुत कोशिश करी हमारे बच्चे ने भागने की, भाग नहीं पाया उसे बहुत है। क्या चाहते, किस तरीके की सजा मिले उसको? सजा मौत, मौत हमारे सामने ही, जैसे हमारे बच्चे तड़पे वैसे ही हम तड़पते हुए उसे देखेंगे, तब मेरे से सुकून आएगा, मेरे दिल में वैसे शांति नहीं मिलेगी जैसे हमारे बच्चे तड़प तड़प के मारे। मेरा छोटे वाला कितना तड़पा होगा, किस तरह से उसके प्राण निकले हैं, 6 साल का था हमारा बच्चा, मेरा बच्चा तो था इतना बड़ा था, उसने क्या बिगाड़ा था उसका, उससे भाई कहता था बाल कटा के आता भैया ऐसे बाल काट दो ऐसे काट दो, तब भी उसने उससे क्या दुश्मनी थी मेरे बच्चों से, ये तो बताए मुझे क्या था, ये किसी ने करवाई तो सुनी से, हमारे बच्चे बहुत बुरे, मेरे बेटा तो बड़ा वाला। TV9 पर आपने एक मां का दर्द सुना, और आपको ये भी बता दें कि बदायूं डबल मर्डर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। आयुष पर 14 बार धारदार हथियार से हमला किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है आयुष के शरीर पर 14 घाव के निशान मिले हैं। आहान पर, जो दूसरा बेटा है, आहान पर 2 बार धारदार हथियार से हमला हुआ, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया। तो इस पूरे हत्याकांड ने हिलाकर रख दिया है, साजिद जावेद की हैवानियत का खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ है आपको आइए बताते हैं। आयुष आहान पर ताबड़तोड़ वार किया गया, आयुष के शरीर पर 14 जख्म मिले हैं, आहान के शरीर पर 2 घाव मिले हैं, आयुष पर 14 बार धारदार हथियार से निर्ममता से वार किया गया, आहान पर 2 बार तेज धार वाले हथियार से वार किया गया, वहीं आयुष की गर्दन पर चाकू से 3 बार हमला किया गया, आयुष के कंधे छाती पर भी चाकू से वार किया गया, आयुष के कान पर भी चाकू से अटैक किया गया, किसी कीमत पर आयुष को छोड़ना नहीं चाहते थे हमलावर। आहान पर चाकू से 2 हमले हुए, गर्दन पर 1 वार हुआ, आहान पर इतना तेज वार हुआ कि गर्दन की हड्डी तक कट गई। और अब आपको पुलिस की बात सुनाते हैं। बदायूं के एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को प्राप्त हुई है उसमें दोनों बच्चों को इनसाइज वुंड्स आए हैं। जो बड़ा बच्चा है 13 साल का आयुष, उसके ऊपर 14 चोटें हैं, गर्दन शोल्डर और चेस्ट और हाथों में उसके चोटें हैं, ऑल इन साइज वुंड्स। छोटे बेटे के 2 चोटें हैं, वो गर्दन और चेहरे पे चोटें हैं। सर, इसके अलावा और कहीं पे बॉडी पे निशान कुछ मिले हैं या मारने के कुछ इस तरीके से? नहीं, इसके अलावा बॉडी पे कहीं और निशान नहीं मिले हैं। और कॉज ऑफ डेथ दोनों का एंटी शॉक एंड हैमरेज बिकॉज ऑफ एंटी मॉर्टम इंजरीज निकल के आया। और इस बीच आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए खुलासे को लेकर बदायूं से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा। बदायूं में आयुष और आहान नाम के 2 सगे छोटे भाइयों की हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है कि आयुष पर
चाकू के 14 वार किए गए थे, एक के बाद एक ताबड़तोड़ 14 वार आयुष के जिस्म पर किए गए थे, जबकि जो उसका छोटा भाई था अहान, उसके शरीर पर चाकू के 2 वार किए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि एक्सक्लूसिव हमारे पास आई है, उसमें यह खुलासा हुआ है कि आयुष के गर्दन पर चाकू के 3 वार किए गए, उसके कंधे पर चाकू के कई वार किए गए, कान पर चाकू के वार हैं, इसके अलावा छाती पर भी चाकू के वार हैं, हाथ में भी उसके चाकू लगा है। कुल मिलाकर जो कातिल साजिद था, उसने एक के बाद एक 14 वार बहुत तेजी से आयुष के जिस्म पर किए थे। सबसे ज्यादा जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है, कंधे के आसपास और गर्दन, वहां पर चाकू के 14 वार किए गए, और इसके अलावा जो आयुष था उसके भी गर्दन पर चाकू का 1 वार किया गया, जबकि गर्दन के निचले हिस्से पर 1 और वार चाकू का किया गया। यानी कि ताबड़तोड़ चाकू के हमले आयुष के शरीर पर किए गए थे। इस बात को बताता है कि किस तरीके से जो कातिल साजिद था, उसने जो निर्दयता दिखाई है इस हत्या में, जानबूझ करके पूरी साजिश के तहत वो चाकू अपने पास लेकर के आया, और उसके बाद बहाने से उसने आयुष और उसके छोटे भाई अहान को छत पर ले गया और वहां पर चाकू के ताबड़तोड़ हमले किए। जाहिर तौर पर इस जो चाकू के 14 वार किए गए हैं, उससे ऐसा लगता है कि उसने अपनी कोई दुश्मनी इन बच्चों से निकाली है। फिलहाल जो चाकू था वो पुलिस ने बरामद कर लिया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स बता रहे थे पुनीत, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। पुनीत, इस मामले में पुलिस के लिए जो सबसे बड़ी लीड है वो है आरोपी जावेद का गिरफ्तार होना, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन उसके बयान पर है जो उसने कैमरे के सामने दिया और जो बच्चों की मां कह रही है। अब इस ये पूरा केस है, कैसे आगे बढ़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल आरोपी का जो कबूलनामा है वो है, आरोपी क्या बात पुलिस के सामने रखता है और अपने बातों को सही ठहराने के लिए वो क्या क्या सबूत देता है। जैसा कि आरोपी कह रहा है कि उसने दुकान बंद की और फिर वो वहां से चला गया। अब पुलिस एग्जैक्ट जो टाइम ऑफ इंसिडेंट था उसको और आरोपी के मोबाइल के जो नेटवर्क है उससे खंगालेगी। इसके अलावा किस किस लोगों को कितनी देर में फ़ोन किया, वो यहां से जिस तरीके से दिल्ली जाने की बात कर रहा है तो वो किस चीज़ से गया, क्या किसी ने छोड़ा, जो बस में गया, बस का टिकट था, ये तमाम चीजें। दूसरी तरफ जो मां के बयान है, मां के बयानों को भी तस्दीक करेगी। साथ में जो पुलिस है वो मां बाप दोनों के मोबाइल जो रिकॉर्ड्स हैं उनको भी अब खंगाल लिया, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि साजिद नजर बना के रखिए। बहुत बेरहमी से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, अब इसकी एक एक कड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पुलिस कैसे तफ्तीश को आगे बढ़ाती है, एविडेंस या सबूत कैसे इकट्ठा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुनीत।